हेलो एवरीवन जय हिंद टू ऑल आप सबका ओ टू आई सी अकेडमी पर स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आज हम बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी अभी तक केसेस हुए हैं सिंस 1951 टू तो वो सारे डिस्कस करेंगे एक एक इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व हुआ एंड रेदर अभी भी इवॉल्व कर रहा है फ्रॉम जजमेंट जजमेंट टू बिकॉज इसकी एज इट इज कोई भी यहां पर डेफिनेशन नहीं है ये जजमेंट टू जजमेंट एड ऑन होते जा रहा है सो so, अगर आपने अब तक ओ टू आईस अकेडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है उसे आज ही डाउनलोड कीजिए सो so डैट आपको स्टडी मटेरियल फ्री में या फिर जो भी हमारे पेड कोर्सेज हैं वो इजिली यहाँ पर आपको मिल सके सो so, बेसिक स्ट्रक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है एंड क्यों ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो फाइट है वो निकल कर आती है इन द केशव नंदा भारती केस डैट इज द फेमस केस के बी सी केस नाइनटीन सेवेंटी थ्री ये किस तरीके से इवॉल्व होता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर गोलकनाथ केस आता है गोलकनाथ केस के बाद 24th 25th अमेंडमेंट आते हैं एंड लेटर ऑन हमारे पास केबीसी केस आता है फाइनली जिसमें एक लैंडमार्क वर्ड डेट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि उससे पहले ही प्रोपाउंड हो चुका था बाय जस्टिस एचआर खन्ना बट फाइनली इन केबीसी केस उसको एक फाइनली शेप दे दी गई फ्टर के बीसी केस वो स्ट्रेंडेंड होता जा रहा है एंड अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक वो कॉन्टीन्यूसली जजमेंट टू जजमेंट और स्ट्रांग होता जा रहा है एक जो बेसिक एम है बेसिक स्ट्रक्चर का उसका अगर मैं आपको एक लाइन में ही आंसर दूं तो ये है कि पार्लियामेंट जो अमेंडिंग पार है पार्लियामेंट के पास वो उसका मिस यूज ना कर दे वो एक जो मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का हमारा जो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डायनामिक है जो कि नीड्स ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग okay, ही चेंज होता रहता है तो पार्लियामेंट ऐसा ना करे कि उसको बिल्कुल ही यहाँ पर अनलिमिटेड पावर यूज करके यहाँ पर उसको पूरे मूलभूत ढांचे को हिला दे तो इन शॉर्ट जो एक मेन आइडेंटिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो लूज ना हो जाए इसी कारण हमारे पास आता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड यही आप देखेंगे ड्यूरिंग 1971 सेवेंटी वन यहां पर कोशिश की गई थी थोड़ी बहुत यहां पर कि अनलिमिटेड पार्स को अपने पास रख लेना जुडिशियल 13 में उसको यहां पर डायल्यूट करने की कोशिश भी करी गई डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई बट फाइनली के केस के बाद ये सारी चीजें सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाती हैं सो बेसिक स्ट्रक्चर एक बेसिकली वन ऑफ द फंडामेंटल जुडिशियल प्रिंसिपल है जो मेक श्योर sure करता है कि जो आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉस्ट ना हो जाए एंड प्लस यहाँ पर जो पार है अमेंडमेंट की पार यहाँ पर पार्लियामेंट की पास उसका मिसयूज ना हो जाए इसलिए हमारे पास निकल कर आता है बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक स्ट्रक्चर में ही है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वी हैव

अगर आपका मैं इसको इवेलुएशन कराऊं, इवोल्यूशन कराऊं तो फिर सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकल कर आता है 1951 में यहीं से गेम स्टार्ट होती है बिकॉज जमींदारी सिस्टम को रिमूव करना था एंड यहाँ पर सरकार के पास बहुत बड़ी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि टास्क था कि लैंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें सो डैट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो पाए ये ना हो कि अमीर बहुत अमीर हो जाएं और गरीब बिल्कुल ही गरीब रह जाएं तो यहाँ पर लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो भी था कि कॉम्पोजिशन क्या पे करना है अमाउंट क्या पे करना है जमींदारी सिस्टम को जो एबॉलिश करना था उसके खिलाफ उनको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर केसेस भी आए हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास केबीसी केस गोलकनाथ केस जहाँ पर ऑपोजिट पार्टी ने यहाँ पर इसको चैलेंज करा इन द कोर्ट की आप हमारा लैंड इस तरीके से नहीं ले सकते हैं इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ही नाइन्थ शेड्यूल सबसे मेन इंपॉर्टेंट नाइन्थ शेड्यूल ऐड कर दिया गया था एंड प्लस जो राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि पहले फंडामेंटल राइट right था उसको आर्टिकल 300 ए में यहां पर एक लीगल राइट right बना दिया गया था सो so डैट कोई भी चैलेंज ना कर सके प्लस नाइन्थ शेड्यूल के अंदर यहां पर सभी लॉस को डाल दिया गया था रिलेटेड टू द जमींदारी सिस्टम सो so डैट यहां पर नाइन्थ शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया एंड जुडिशियरी उसको नल और वर्ड डिक्लेयर ना कर सके उसके बाद हमारे पास पर शंकरी प्रसाद केस आता है कि जिसमें यहां पर लड़ाई होती है कि क्या पार्लियामेंट के पास पार है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की यहाँ पर 368 आर्टिकल और 13 आर्टिकल के बीच में एक फाइट देखने को मिलती है उसके बाद लैंडमार्क केस आता है गोलकनाथ केस जिसमें 11 जजेस बैठे थे जो कि शंकरी प्रसाद केस को यहाँ पर और एक और जजमेंट आई थी इसके बाद सतवंत सिंह केस इन सब को यहाँ पर चैलेंज किया जाता है उसके बाद ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फिफ्थ एंड वन मोर डेट इज ट्वेंटी नाइन्थ अमेंडमेंट लेकर आती है सरकार उस टाइम पर इंदिरा गांधी मैम की गवर्नमेंट चल रही थी एंड उसके बाद लैंडमार्क केस आता है केशवानंद भारती केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंड होता है एंड फाइनली मिनर्वा मिल केस आता है जो कि इसे और स्ट्रेंथेन कर देता है एंड डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट में भी एक बैलेंस क्रिएट करके दे देता है तो हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज कि किस तरीके से लड़ाई स्टार्ट होती है अब सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले लड़ाई तो यही चल रही थी कि जमींदारी सिस्टम को किस तरीके से अबॉलिश करना है सो दैट लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए बिकॉज उस टाइम पे कुछ जमींदार ऐसे थे जिनके पास एक्सट्रीम में लैंड था फॉर एग्जाम्पल गोलकनाथ के इसमें हम करेंगे पंजाब के दो ब्रदर्स थे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड था इसलिए सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट लाने की कोशिश करी आपने लैंड रिफॉर्म्स में पढ़ा होगा ये प्लस यहां पर आर्टिकल 300 ए दैट इज उसको एक लीगल राइट right बना दिया गया फंडामेंटल राइट right से हटाकर प्लस शेड्यूल एड कर दिया गया बाय अमेंडमेंट दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 उसमें दो आर्टिकल ऐड किए गए 31 ए 31 बी 31 ए तो था एक्विजिशन ऑफ द स्टेट्स एंड द लैंड्स एंड 31 बी से नाइन्थ शेड्यूल ऐड कर दिया गया जो कि बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा टिल 1973 नाइन्थ शेड्यूल क्या था नाइन्थ शेड्यूल में ये लिखा गया कि जो भी लॉज हैं रिलेटेड टू द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम अगर वो नाइन्थ शेड्यूल में गवर्नमेंट ने प्लेस कर दी हैं तो उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता आप इसको सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल थर्टी टू रिड जुरिडिक्शन यूज करके चैलेंज नहीं कर सकते तो नाइनटी थर्टी बी ने नाइन्थ शेड्यूल एड किया एंड कहा एनी लॉ 13 क्या कहता था कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट right को वायोलेट कर रहा है वो नल और विक्लेयर हो जाएगा बट यहां पर सरकार ने पहले ही एक कैवियट जोड़ दिया और उसको थर्टी वन बी से इन शेड्यूल ऐड कर दिया गया और कहा कि कोई भी ऐसा लॉ अगर फंडामेंटल राइट right को वायलेट कर भी रहा है दैट इज रिगार्डिंग द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम आप उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं सो दिस इज व्हाट फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन नाउ उसके बाद शंकरी प्रसाद केस हमारे पास निकल कर आता है अब इसमें लड़ाई होती है आर्टिकल 368 में और आर्टिकल नंबर 13 में आर्टिकल थर्टीन क्लियरली सेनी लॉ विच इज इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट नियर द मेन थिंग इज वट इज लॉ लॉ में क्या माना जाएगा अब यहां पर यह कहा गया कि आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉ अंडर आर्टिकल थर्टीन शंकरी प्रसाद केस में कह दिया गया और कहा कि पार्लियामेंट के पास पार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है so under केस. Is, एक तरीके से सरकार क्या कह रही है कि भाई वो अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन में भी चला गया तो आप उसको नल और फ्वाइट डिक्लेयर नहीं कर सकते अब यहाँ पर इसके बाद एक केस चैलेंज होता है इन द गोलकनाथ केस दैट इज़ वर्स इज स्टेट ऑफ पंजाब अब इस केस में यहाँ पर तीन क्लॉस तीन डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स थे एक तो ये था कि गोलकनाथ ब्रदर्स के पास लैंड बहुत ज़्यादा था सरकार यहाँ से उनसे लैंड सेलिंग से एक्ट यूज़ करके लैंड छीनने की कोशिश करती है एंड उसके बाद ये सवाल उठा गया कि इसके बदले में इनको कॉम्पनेशन दिया जाए वो मार्केट प्राइस पे दिया जाए वो अलग एक डिस्कशन है इसके बाद बिकॉज बैंक नेशलाइजेशन बिल आ गया था कूपर केस आ गया था एंड सरकार ने कहा कि हम इसको अमाउंट पेबल देंगे दैट इज एट द मार्केट प्राइस दैट इज अ डिफरेंट इशू बट यहाँ पर सबसे पहले गोलकनाथ इशू में ये कहा गया कि अंडर आर्टिकल नंबर थ्री ओनली प्रोसीजर हैज बिन डिफाइंड खाली प्रोसीजर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से चेंज करना है बट वर्ड को कहीं पर भी यूज नहीं करा गया है दैट इज द नंबर नंबर करा गया यहां पर कहा गया गोलकनाथ केस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है एंड इट इज द पार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्लियामेंट हैज नॉट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन

अब कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड लॉ है अंडर आर्टिकल थर्टीन इंक्लूड द मीनिंग एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शंकरी प्रसाद केस को जो है यहां पर ओवर रूल कर दिया गया और कहा कि भाई आर्टिकल 368 में आप जो भी अमेंडमेंट कर रहे हैं विल बी डिक्लेयर्ड एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 एंड अगर वो आर्टिकल 13 में लॉ हो गया है और वो अगर अब फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आ जाता है को वायलेट कर देता है देन इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड व्हाइट दिस मीन्स नो फर्दर अमेंडमेंट कुड बी मेड विद इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट तो शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह सॉरी मेरे मुझसे सतवंत सिंह ने क्वेश्चन निकला दैट इज सजन सिंह केस इन दोनों को ओवर रूल करके यहां पर गोलकनाथ केस में आ गया एज ए डिस्कस इन माई प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो कि जब भी केस यहां पर दोबारा से चैलेंज होगा रिव्यू होगा तो पिछले वाले बेंच से ज्यादा जजेस यहां पर बैठेंगे तो यहां पर 11 जजेस बैठे थे तो इसको चैलेंज करने के लिए केशव नंदा भारती केस आया जिसमें थर्टीन जजेस आते हैं बट बिफोर दिस गवर्नमेंट ने कैविएट लाने की कोशिश करी 24th फोर्थ अमेंडमेंट ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट एंड 29th नाइन्थ अमेंडमेंट ट्वेंटी अमेंडमेंट तो पूरा का पूरा केशव नंदा भारती केस से था केरला केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट यहां पर सारे के सारे जो लैंड रिफॉर्म एक्ट थे वो नाइन शेड्यूल में ऐड कर दिए गए थे जो कि केशव नंदा भारती केस में चैलेंज हुए 24th फोर्थ अमेंडमेंट क्या कहता है कि आप गोलकनाथ केस में आपने कहा कि भाई आपके पास पार नहीं है खाली प्रोसीजर है ओके okay. सरकार क्या करती है यहां पर आर्टिकल 368 में क्लॉस फोर ऐड करती है, एक कर देती है पार ऑल्सो टू एमेंड कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पार एंड द प्रोसीजर सो दर्टिकल थ्री सिक्सटी एट वॉज चेंट टू दार ऑफ द पार्लियमेंट टू एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर प्रोसीजर और पार दोनों आपके पास आ गया फर्स्टिक आ गया यहां पर यह कहा गया कि पार्लियामेंट में इन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार एमेंड बाई दिन वेरिएशन रिपील ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल जो भी प्रोसीजर यहां पर दे रखा होगा दैट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस स्पेशल मेजोरिटी हम उस तरीके से अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो गोलकनाथ केस की के पहली चीज को यहां पर ओवर रूल कर दिया गया बाय थ्रू दिस अमेंडमेंट नाउ उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये कहा गया कि प्रेसिडेंट बाउंड होगा जब भी इनके पास कॉन्स्टिट्यूंट बिल यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो प्रेसिडेंट यहां पर बाउंड होगा उस बिल को साइन करने के लिए एंड अ री क्लॉज क्लास दैट इज क्लास थ्री वॉज एडेड टू थ्री सिक्सटी एट विच अगेन क्लैरिफाइड नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल सो यह कहा गया कि थ्री सिक्सटी एट जो है दोबारा से अगर इसमें जो कुछ भी अमेंडमेंट हो रहा है वो आर्टिकल थर्टीन में यहां पर अप्लाई नहीं होगा क्लियर अगेन पार को रिस्टोर करने की कोशिश करी गई एंड इसके साथ ही एक और ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट भी ऐड कर दिया गया जिसमें ये कहा गया कि कोई भी यहां पर लॉ अगर वो आर्टिकल 39 बी और सी डी पी डेट इज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इगैलीटेरियन सोसाइटी को लाने के लिए मान लो कि कोई भी लॉ लेकर आते हैं और वो आर्टिकल 14, 19 और 31 प्रॉपर्टी को वायलेट भी कर रहा है तो वो नल और वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा बाय द जुडिशरी सो आर्टिकल 31 बी और आर्टिकल 31 सी ये दोनों चैलेंज होते हैं इन द केशव भारती केस इसके बाद हमारे पास केशवान भारती केस आता है एंड ट्वेंटी एक्ट केरला के यहां पर उनको नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है तो तीनों कंबाइन होकर ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ और ट्वेंटी चैलेंज होते हैं इन द केबीसी केस और फाइनली के केस में यह कहा जाता है दिस इज द के केस यहां पर सॉरी द हेडिंग वॉज मिसिंग के बीसी केस ये चैलेंज होते हैं दैट इजेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ एंड ट्वेंटी नाइन्थ एंड यहां पर कहा जाता है कि द पार ऑफ द पार्लियमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज फार एज वाइट एंड एक्सटेंड टू ऑल आर्टिकल्स उन्होंने कहा कि यस पार्लियमेंट के पास पार है कि वो अमेंड करे बट इट इज नॉट द अनलिमिटेड पार Unlimited power means you have the power to amend the constitution, but you cannot alter the basic structure. भाई जो basic framework है जिसके ऊपर हमारा संविधान बना हुआ है आप उसको change करने की कोशिश नहीं कर सकते Plus जो article थर्टी वन सी है यहाँ पर उसको वैलिड माना गया यहाँ पर केशवंद भारती केस में कहा गया कि ठीक है आप इसको ये वैलिड करते हैं हम कि भाई थर्टी नाइन बी और सी अगर फोर्टीन नाइनटीन को वायलेट भी कर रहा है तो कोई इशू नहीं है वैलिड माना जाएगा बट जुडिशियल रिव्यू को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया क्लियर अब द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड हेल्डी फोर्थ अमेंडमेंट वॉज वैलिड एट वट द प्रेजेंट बिफोर द दिडर इट डॉट इन लार्ज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट 368 सिक्सटी एट ऑलवेज इंक्लूडेड द पार इन द प्रोसीजर ये आपका हमारा वैलिड मानते हैं ये आपके पास पार है जजेज डिड नॉट प्रोवाइड वट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर बट प्रोवाइडेड एन एलिस्ट्रेटिव लिस्ट अब बेसिक स्ट्रक्चर की कोई एक लिस्ट नहीं बना के दी यहाँ पर एक थोड़े बेसिक से चार पांच चीजें ऐड करी गई एंड उसके बाद कहा कि केस टू केस ये इवॉल्व होता जाएगा उस टाइम क्या थी सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है यहां पर ठीक है इसको आप नहीं छीन सकते उसके बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वी हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म That is representative, democratic, secular character, separation of power, so that kisi ek wing ke paas monopolization of power na ho jaye That is a checks and balances on the government, federal character of the constitution। आप इनको नहीं change कर सकते। ये नहीं है कि कल को आप unitary system लाने की कोशिश कर दो। Basic structure को आ नहीं टच कर सकते इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको एग्जीक्यूटिव को लॉ मिनिस्टर को लाने की कोशिश की गई थी बट नाइन अमेंडमेंट एक्ट को नल और व्हाइट डिक्लेयर कर दिया गया था बिकॉज वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को छीन रहा था सो so, इसके बाद हमारे पास इंदिरा गांधी वर्सिश राज इसमें इन इस केबीसी केस के बाद तो जो भी केस आएंगे उसमें ये हो रहा है बिकॉज इस केस में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी मैम ने 329 ए जोड़ दिया गया और कहा कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर इन सब के जो इलेक्शन होंगे वो जुडिशरी के स्क्रूटनी से बाहर हैं डेट मीन्स उनसे जुडिशियल रिव्यू छीन लिया गया बिकॉज उस टाइम पर उनके इलेक्शन नल और वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिए गए थे हाई कोर्ट तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को अप्लाई किया और 329 ए के क्रॉस फोर को स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को छीन रहा है बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसके बाद लास्ट जो केस आता है मिनरलवा मिल केस जो इसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है जिसमें दो चीजें निकल कर आती हैं पहले तो ये कि भाई फंडामेंटल राइट right और डीपीएसपी में कोई लड़ाई नहीं होगी दे शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम एंड उसके बाद कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू इट सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आप उसको नहीं छीन सकते एंड द लिमिटेड सकतेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर जो एमेंडिंग पार है लिमिटेड एमेंडिंग पार डॉक्टर ऑफ इंप्लाइड उसी को यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ दिया गया कि लिमिटेड पार जो है ये अपने आप में ही बेसिक स्ट्रक्चर है आप इसको आउटरीच नहीं कर सकते हैं क्लियर एंड बट इसके बाद ये जरूर कहा गया कि ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी थ्री इसके बाद ही से ही प्रोस्पेक्टिवली ही यहाँ पर ये केसेस को लगाया जाएगा नाइन्थ शेड्यूल को जुडिशल रिव्यू में रखा जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली डेट मीन्स नाइनटीन सेवनटी थ्री से पहले जो भी लॉ हुए हैं उनको यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हुआ या नहीं हुआ उसको वो टच नहीं करेंगे बट इसके बाद जो भी केस होंगे उसमें नाइन्थ शेड्यूल के अंदर अगर आप कोई भी एक्ट डालते हैं वो जुडिशियल रिव्यू से यहाँ पर बच नहीं सकते हैं सो इन शॉर्ट अगर एट प्रेजेंट हम सिचुएशन देखें तो सारी की सारी चीज़ें जुडिशियल रिव्यू के अंदर होंगी एंड कुछ भी अमेंडमेंट अगर सरकार लेकर आ रही है वो बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर नहीं छीन सकती है सो आई होप आप सबको बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रीन अच्छे से समझ में आ गया होगा विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग टू सेशन जय हिंद टू ऑल टेक केयर